ये ध्यान क्या है, मेडिटेशन? आजकल सुना होगा सब जगह भरमार है, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योग करो, सुनते हो ना? ये है क्या, कभी सोचा? एक शब्द हम ध्यान किसको कहते हैं? कोई काम करते हैं, ध्यान से काम कर, कहते कि नहीं? अबे ध्यान से काम कर, दिखता नहीं क्या? ध्यान से नहीं किया जाता? तो एक ध्यान जो हम सबको बोलते हैं, जिसको सुशब्द है अटेंशन, संसार में कहते अटेंशन, सावधानी नहीं होती, ध्यान से कर। एक अध्यात्म की दुनिया में, धर्म जिसको अध्यात्म कहा, इस दुनिया में एक शब्द आज चलता है ध्यान, वही ध्यान, तो वही वाला ध्यान कहें क्या? मैं ध्यान से नहीं काम करता, ध्यान दिया कर, ये कोई ध्यान दूसरा है। इसलिए ध्यान को इंग्लिश में जो शब्द दिया मेडिटेशन, मेडिटेशन कहते लगता है कि अरे यार ये तो दूसरे ध्यान की बात हो रही, पर हिंदी में ध्यान, इंग्लिश में मेडिटेशन है क्या? इस पर ध्यान लगाओगे? मेडिटेशन यानी कहते ही एकदम धर्म शब्द आ जाता है। तो मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है? ध्यान कहते हैं किसी चीज पर ध्यान लगाना, ध्यान से काम नहीं कर रहा, ये तूने ध्यान से नहीं किया। कोई सब्जेक्ट पर कहते हैं ना कि सब्जेक्ट पर अटेंशन, ध्यान, तो क्या ये वही ध्यान है जिसको आज संसार में हर जगह अध्यात्म धर्म की बातें हो रही हैं? मेडिटेशन ध्यान, तो कहा कि ध्यान किस पर लगाएं, धर्म में ध्यान किस पर लगाएं? तो कहा भगवान पर, राम जी पर, कृष्ण पर, गुरु नानक देव पर, जीसस पर, मोहम्मद पर, कबीर फरीद पर, मीरा साहिब लल्ला पर, लाओजे सुकरात पर, इस पर ध्यान लगाएं। तो ध्यान लगाने के लिए सब्जेक्ट क्या है? तो कोई कहता है कि ध्यान सांसों पर लगा लो, कोई कहता है मोमबत्ती की ज्योत पर लगा लो, कोई कहता है ध्यान यहां लगा लो। तो ये ध्यान लगाएं हम इन सब जो कहा गया, तो इससे संसार के अंदर, इन द वर्ल्ड, क्या कभी तूने सुना कि ध्यान लगाने से कभी कोई मुक्त हुआ? क्योंकि तो ध्यान का कॉन्सेप्ट जो आया, जो पतंजलि हुए और उसके बाद जितने भी संत हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक हुए, सबने बात की ध्यान की, सबने ध्यान की बात की, सबने। और जब कोई धार्मिक पुरुष ध्यान की बात करता है तो ये उस धर्म का ध्यान है। संसारी बात करता है तो संसार में अपने नौकर को कह रहा, अपने बेटे को कह रहा, ध्यान से नहीं पढ़ाई करता, ध्यान से नहीं करता, ध्यान से गाड़ी नहीं चलाता। तो वहां ध्यान जब किया गया तो उन्होंने एक शब्द बड़ा प्यारा दिया, ध्यान के ऊपर का धारणा और नीचे का समाधि, धारणा ध्यान और समाधि। अगर हम इसे ऊंचाई दें तो समाधि सबसे ऊपर है, उसके नीचे ध्यान और नीचे धारणा है, धारणा सबसे नीचे, ध्यान उसके ऊपर और समाधि ऊपर, टॉप शिखर है समाधि। तो धारणा कहा धारण करो, धारण क्या कहा, धारण करो, क्या धारण करो, यानी कि अपने अंदर तुम किसी चीज के लिए, पहले कहते हो ना अगर मेरे को कहीं जाना है तो पहले मैं धारण करूंगा ना, तो मैं कहूंगा हाँ यार मुझे आज पिक्चर जाना है, जाना है मुझे, तुमने धारण कर लिया, फिर देखो ध्यान रहेगा मेरे पिक्चर जाना है, शाम को 6 बजे का शो है, ध्यान रहेगा ना, और फिर तू वहां पहुंचेगा। तो ऐसे ही सब संतों ने, पतंजलि ने ऊपर 5 जो से हैं क्लॉज दिए, पर ज्यादातर कॉमन जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए, आध्यात्मिक गुरु, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमन, साईं, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओ, इन सब ने आखिरी 3 की बात की, 3
धारण ना, धारण करो। नेचुरली अगर तुम धारण करोगे तभी तो कुछ ध्यान लगेगा। अगर मैंने सोचूंगा ही नहीं तो मैं ध्यान क्या करूंगा? तो किसका ध्यान करें? क्या ऊपर समाधि, समाधि रिजल्ट है। समाधि यानी समाधान, तेरी जिंदगी का समाधान, तेरी मनुष्य जन्म का समाधान, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। तो मुझे जाना है मेरे भगवान के, उस ईश्वर के गॉड होम में, घर में, जहां सब भगवान लोग रहते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं। तो जिंदगी का समाधान क्या है? मनुष्य जन्म का क्या कहा लक्ष्य? हर धर्म ग्रंथ में, हर दुनिया के धर्म ग्रंथ में एक ही लक्ष्य बताया है। इस मनुष्य जन्म का मकसद एक ही है, अपने घर लौटना, गॉड होम, जो तेरा अपना घर है, यहां से तू आया। और इसका समाधान कैसे निकले? समाधि यानी समाधान। इसका समाधान कैसे निकालूं? तो कहा सबसे पहले अगर तुझे जाना है, पहले ये डिसाइड कर तुझे जाना है, तुझे जाना है अपने घर इस बार, या मरकर तुझे इसी चक्रव्यूह में आता है ना, जन्म मरण में आना है। अगर तुझे वहां जाना है तो पहले पक्का कर, धारण कर, धारण कर। और धारण हो गया तो अब ध्यान कर। किसका ध्यान करें? गॉड होम का। तो कहा कि भगवान के घर जाना है, ये तो बात खत्म हो गई। तो जितने भी संसार में संत हुए, संत ब्रह्म ज्ञानी गुरु जितने भी हुए, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमा, जितने भी साईं बाबा, मीरा, सहज, सबने क्या कहा? मन 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 जीता जग जीता, मन मुआ तो तू खुद खुदा हुआ। मन के पार है ब्रह्म, वो गॉड होम। तो मन मन जो है इसको सिर्फ मिटाना है, मन के पार जाना है। मन क्या है? मैं और मेरा का योग, मैं और मेरा, मैं और मेरे वाले, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी। तो मन यानी मैं और मेरा के पार जाना है। क्या है पार? तू तेरा, तू तेरा, तू तेरा। गुरु नानक देव ने सिर्फ तोल रहे थे तो तेरा की गिनती पर अटक गई गाड़ी, तेरा 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 सुरती लग गई। उस दिन पता लगा सिर्फ तेरा ही है, ये घर तेरा है भाई, ये शरीर तेरा है, मैं कहा हूं इसमें? सिर का बाल मैं नहीं, आंख मैं नहीं, दिमाग मैं नहीं, कान मैं नहीं, क्या है मेरा, क्या है? सिर का बाल भी मेरा नहीं है भाई, तूने ही दिया है। ये दिमाग भी तूने दिया है, मैं थोड़ी किसी लंदन या न्यूयॉर्क से इंपोर्ट कराया इसको, दिमाग को, कि भाई इतना करता हूं कि बहुत मेरे पास ये है वो है। तो ये मैं नहीं हूं, तू ही है, तू तू। ये फिर मैं ही नहीं हूं तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, ये भी मेरा नहीं है फिर तो। जब मैं ही नहीं हूं मेरा, तो ये सब भी मेरा नहीं, तो फिर कहा ये कौन है? तो कहा ये तू कौन है जिसका मालिक है, इस शरीर का मालिक है? तो ये मेरा परिवार, मेरे संबंध भी, जब मैं ही जो सा है, मेरा नहीं हूं, मेरा मालिक कोई और है, तो ये सबका मालिक भी कोई और है। तो जैसे ही ये मालूम पड़ता है तो एकदम लगता है यार अब तक तो मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा ये, तो ये अभी तक तो मैं अहंकार में जी रहा था, ईगो। गुरु नानक देव जी से होम में कह रहे, जीसस ईगो कहते हैं, हिंदू धर्मशास्त्र अहंकार कहते हैं, मैं मेरा 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 मेरा। अबे यार वो कहते हैं आदमी, ये तो मेरा कुछ भी नहीं है, सिर के बाल से पांव के नाखून तक मेरा कुछ भी नहीं है। तो फिर खोज करता है वो इसकी, तू की।
तू मिल गया तो उसी का है सब कुछ खजाना। तो कहा मैं से तू की यात्रा, मेरा से तेरा की यात्रा है। मैं मेरा तूने कहां से सीखा? जब जन्म लिया तो मां ने कहा मैं तेरी मां, पापा ने कहा मैं तेरा पापा, और वहां से सारी गाड़ी शुरू हुई और आज तक तेरे कितनी मैं मेरा का पहाड़ बन गया। तो संसार के सो कॉल्ड ज्ञान से तेरे को मैं मेरा मिला, अब उस सत्य के ज्ञान से तुझे इस मैं मेरा को समर्पण करना होगा। समर्पण शब्द सुना होगा तूने, सरेंडर। धर्म की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में एक सरेंडर शब्द है। देखता ना हम आरती में भी बोलते हैं तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये सरेंडर है। तन धन और मन तेरा ही है सब कुछ, मैं मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। तन भी तेरा, धन कमाया ये भी तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कहते ना तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये समर्पण की अवस्था है। तो फिर मैं मेरा ज्ञान से, संसार से मिला, माया से मिला, अब तू तेरा सत्य के कहीं गुरु से मिलता है। ज्ञान तत्व ज्ञानी गुरु, गुरु नानक देव को तू तेरा मिला, बुद्ध महावीर ने तू तेरा जाना, जीसस ने तू तेरा जाना, कि मेरा कुछ नहीं, कि मेरा कुछ नहीं तू तेरा। तो तू तेरा से जीवन का वो समाधान मिल गया। और जब मेरा कुछ है ही नहीं, फिर मौज हो गई, क्योंकि माल मालिक का है। तो ध्यान किसका करना है कि मैं मेरा कुछ नहीं। ये जो अंदर तेरे ईगो आ गई, अहंकार आ गया कि मैं मालिक, मैं सेठ, मैं ऑफिसर, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं मिनिस्टर, मैं स्टार, ये मैं अमेरिका रहता हूं, मैं जापान रहता हूं, ये मेरा है मेरा, ये मैं मेरा, जो कि शरीर ही तेरा नहीं है। तो मालिक इस शरीर का कोई है? हाथ उसने दिए, पांव उसने दिए, आंख वो दिखा रहा, दिमाग उसने दिया। अगर सोच तुझे तूने अंधा ही कर दिया होता, सोच बहरा ही बना दिया होता, सोच दिमाग ही कर दिया था, मेंटल वार्ड वाला देखता है, मेंटल हॉस्पिटल में लोग पड़े हैं, क्या कर लेता तू? तो जिसका ये देह है, जिसका ये बुद्धि दी हुई है, ये उसी का है। और जब ये शरीर तेरा नहीं, तो इसके साथ कनेक्टेड चाहे वो तेरे संबंध है, परिवार है, घर है, वो सब उसी का है। तभी किसी ने कहा तू ही तू, तू ही तू, तेरा 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 तेरा। और वो मंदिर में आरती जो है ना, किसी ने गाई, जब पहले बंदे ने वो यही कहा था, समर्पित किया अष्टावक्र गुरु के आगे, राजा जनक ने समर्पित किया तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो कुछ भी बोल देते हैं मंदिरों में, हम तो बाहर निकलते ही तन को कष्ट आ जाए रोना शुरू कर देंगे, धन चला गया तकलीफ में आ जाते हैं, मन में सारा दिन माया चलती है। तो हमारे लिए तो तन मन धन सिर्फ बोलना है, परंतु समर्पण नहीं किया। अष्टावक्र के आगे जनक ने समर्पण किया, और देख जनक ब्रह्म ज्ञानी हुए, जिन्होंने आगे चल के सुखदेव मुनि को ज्ञान दिया, जिन्होंने भागवत की। ये जीवन का सार है। तो ध्यान कुछ करने की चीज नहीं है, ध्यान में कुछ किया नहीं जाता, ध्यान हो जाना है। ध्यान कैसे होगा? गुरु के वचन, सतगुरु के वचनों को जीवन में उतार कर, मैं मेरा जो तूने अंदर इकट्ठी की अपने, उसको तू तेरा में कहीं पलटना है गुरु ज्ञान से। और इसी को करते ही अर्पण, मैं मेरा को, तेरा समाधान हो गया। फिर ये मेरा शरीर नहीं उसी का है, मेरे संबंध नहीं उसी के हैं, दौलत शोहरत सब उसी की है, तो तू समाधान यानी समाधिस्थ हो गया। पिता परम पिता परम मां खुश हो जाएगी, तो मुक्त हो जाएगा। तो ध्यान कोई यहां लगाना उस करना नहीं, मन है, मन है तो माया है, पर मन के साथ ध्यान नहीं लगता। मन मिट जाए तो तू ध्यान हो जाता है। ध्यान कहीं सॉल्यूशन है, आंसर है, प्रोसेस नहीं है।
तो ध्यान हो जाना है। तो जीवन का ये सार जब समझ में आता है तो यात्रा उस परम लोक तक पहुंचती है। तो ध्यान, गुरु के वचनों का ध्यान, जो तेरे मैं मेरा रूपी मन को तू तेरा में बदलता है और तेरे जीवन का समाधान हो जाता है कि तू ही तू, तेरा 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 करते हुए इस लोक से परलोक में तू पहुंच जाएगा और ये जन्म तेरा फिर सफल होगा। समझे?